हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू में। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं एक करंट अफेयर्स टॉपिक की, जहां पे खबर आई है कि हाल ही में 77 न्यू बटरफ्लाई स्पीशीज हैव बीन फाउंड इन माथेरन। द न्यूज रीड्स दैट साइंटिस्ट हैव फाउंड 77 न्यू बटरफ्लाई स्पीशीज इन द एरिया ऑफ माथेरन। सो इट विल बी अ शॉर्ट वीडियो वेयर आई विल बी गिविंग यू द इंफॉर्मेशन अबाउट द न्यूज और कुछ इसी से जुड़े हुए टॉपिक्स के बारे में। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट राहुल सायगांवकर। अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं तो यू कैन फॉलो मी ऑन राहुल साई 222। कोई भी आपको डाउट हो तो आप मुझे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे। अगर इस प्रेजेंटेशन की पीडीएफ आपको चाहिए तो यू कैन सब्सक्राइब टू माय चैनल विद द सेम नेम, जहां पे आपको इसका पीडीएफ मिलेगा और बहुत सारी दूसरी इन्फॉर्मेशन भी मिलेगी। मैं यहां पे हर दिन बहुत सारे एमसीक्यूज पोस्ट करता हूं जो एग्जाम में आपको हेल्प कर सकते हैं। इसके अलावा स्टडी आईक्यू आपके लिए लाया है 5% डिस्काउंट ऑन ऑल दी स्मार्ट कोर्सेज। ज़्यादा जानकारी के लिए आप स्टडी आईक्यू का ऐप डाउनलोड करें प्ले स्टोर से। तो खबर ये आई है कि 125 सालों के गैप के बाद साइंटिस्ट ने ढूंढा है 140 रेयर स्पीशीज ऑफ बटरफ्लाइज, दैट इज तितलियां, जिसमें से उन्होंने ये देखा है कि 77 तितलियों की जो स्पीशीज आई है वो एकदम नई है और ये सब मिली है हमें माथेरन एरिया में। तो हम लोग देखेंगे कि ये माथेरन एरिया आता कहाँ है और इसका इम्पोर्टेंस क्या है। इसके अलावा हाल ही में जो पेपर पब्लिश हुआ है बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी का, जिसका टाइटल है रीविजिटिंग द बटरफ्लाइज ऑफ माथेरन आफ्टर 125 इयर्स, यहाँ पे ये कहा गया है कि देर इज अ स्ट्रॉन्ग सीजनल वेरिएशन इन बटरफ्लाई डाइवर्सिटी। उन्होंने देखा है कि बटरफ्लाई डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है माथेरन में, काफ़ी सारे नए स्पीशीज भी आ चुके हैं। उन्होंने देखा है कि मैक्सिमम डाइवर्सिटी दैट इज 125 स्पीशीज ऑफ बटरफ्लाइज हैव बीन फाउंड ड्यूरिंग द विंटर सीजन, दैट इज ठंड में ज़्यादा डाइवर्सिटी दिखी है, हालांकि मानसून के दौरान कम डाइवर्सिटी दिखी है, जहाँ पे 80 स्पीशीज मिले हैं। तो बटरफ्लाइज इंपॉर्टेंट क्यों होते हैं? बटरफ्लाइज दे इंडिकेट व्हाट इज द हेल्थ ऑफ एनवायरनमेंट इन जनरल। बटरफ्लाइज आर वेरी ब्यूटीफुल, तितलियां काफी ब्यूटीफुल होती हैं, लेकिन सिर्फ ब्यूटी ही स्पेशलिटी नहीं है, तितलियां कुछ और भी इंडिकेट करती हैं। तितलियां बताती हैं कि हमारा पर्यावरण स्वस्थ है कि नहीं। तो अगर बहुत सारी तितलियों की डाइवर्सिटी है तो इससे हम लोग इंडिकेट कर सकते हैं कि हमारा पर्यावरण स्वस्थ हो रहा है या फिर पोल्यूशन कम है वहां पर। तो ये है न्यूज तितलियों से जुड़ी हुई। तो हम लोग अभी बात करने वाले हैं एरिया के बारे में जहां पे ये 77 न्यू स्पीशीज ऑफ बटरफ्लाइज हैव बीन फाउंड। माथेरन, माथेरन एक छोटा सा हिल स्टेशन है, इट इज ऑल्सो म्युनिसिपल काउंसिल, इट इज फाउंड इन महाराष्ट्र इन रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट। सो माथेरन इनफैक्ट इज वन ऑफ द स्मॉलेस्ट हिल स्टेशन ऑफ इंडिया। माथेरन इज लोकेटेड एट अ हाइट ऑफ अबाउट 800 किलोमीटर्स इन द वेस्टर्न घाट्स। तो अगर आप माथेरन पहुंचना चाहते हैं तो माथेरन इज सिंपली 80 किलोमीटर फ्रॉम मुंबई एंड 120 किलोमीटर फ्रॉम पुणे। ये एक नोट करने की बात है कि माथेरन इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ द मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन। तो अगर आप इस पिक्चर में देखें तो माथेरन इज ऑन द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया, वेस्टर्न घाट्स में आता है और मुंबई से सिर्फ 80 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है, यानी कि 2 से 3 घंटों में आप मुंबई से माथेरन पहुंच सकते हैं। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टूरिस्ट प्लेस ऑल्सो। इसके अलावा मैं कुछ और फैक्ट्स बताना चाहता हूं आपको माथेरन के बारे में, क्योंकि जब भी कोई टॉपिक आता है, छोटी सी न्यूज़ आती है, उसको आपको इंटरलिंक करना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि 77 तितलियों की स्पीशीज मिली है यहाँ पे, लेकिन कहाँ पे मिली है? माथेरन। तो माथेरन से हम और भी टॉपिक्स जोड़ेंगे। माथेरन का बेसिक मतलब है माथे का अरण, मतलब फॉरेस्ट ऑफ द फोरहेड। इनफैक्ट मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने इसको इको सेंसिटिव जोन बताया है। माथेरन एशिया का सबसे पहला ऑटोमोबाइल फ्री हिल स्टेशन है, जहां पर गाड़ियां नहीं चलती हैं। और माथेरन को डेवलप किया था ब्रिटिश लोगों ने। हम जानते हैं कि ब्रिटिश जब रूल कर रहे थे इंडिया में, बहुत सारे हिल स्टेशन को उन्होंने डेवलप किया था। ब्रिटिश जो ऑलरेडी कोल्ड एनवायरनमेंट से आए हुए थे, उन्हें भारत की गर्मी रास नहीं आती थी, तो वो बहुत सारे हिल स्टेशन डेवलप करते, जैसे कि आप जानते होंगे डलहौसी, शिमला एटसेट्रा, ऑल दीज हिल स्टेशन हैव बीन डेवलप्ड बाय ब्रिटिश। तो माथेरन इज ऑल्सो अ समर रिजॉर्ट विच वॉज डेवलप्ड बाय द ब्रिटिश। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यूज माथेरन के बारे में ये है कि माथेरन इज द बर्थ प्लेस ऑफ फ्रीडम फाइटर वीर भाई कोतवाल, जिनका पूरा नाम है विठ्ठल लक्ष्मण कोतवाल। और अगर हम लोग विठ्ठल लक्ष्मण कोतवाल के बारे में बात करें तो विठ्ठल लक्ष्मण कोतवाल He was influenced by the socio-communist movement, मतलब वो भगत सिंह के
एडमायरर थे. इनफैक्ट लेटर ऑन इज लाइफ ही ऑल्सो सपोर्टेड द इंडियन नेशनल कांग्रेस. इनफैक्ट वीर भाई कोतवाल ही वॉज फुली इन्वॉल्व इन द फ्रीडम स्ट्रगल. जब महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया, दैट इज क्विट इंडिया मूवमेंट, तो वीर भाई कोतवाल अंडरग्राउंड एक्टिविटीज में लगे हुए थे. जैसे कि आप जानते होंगे क्विट इंडिया मूवमेंट में बहुत सारी अंडरग्राउंड एक्टिविटीज हुई थी. बहुत ही जल्द क्विट इंडिया मूवमेंट को सप्रेस किया गया था, तो अंडरग्राउंड मूवमेंट शुरू हुई थी. उसमें वीर भाई कोतवाल और विट्ठल लक्ष्मण कोतवाल अंडरग्राउंड एक्टिविटीज को प्रोग्रेस किया करते थे. उन्होंने एक अंडरग्राउंड मर्सिनरी फोर्स बनाई थी, अंडरग्राउंड ग्रुप ऑफ पीपल बनाया था उन्होंने, जिसको कोतवाल दस्ता कहा जाता था. और इस कोतवाल दस्ता ने एक पैरेलल गवर्नमेंट रन की थी करजत तालुका इन रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र. सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज फ्रॉम एग्जाम परस्पेक्टिव. तो हम लोगों ने देखा कि पहले तो 77 स्पीसीज ऑफ तितलियां मिली है माथेरन में, तो हम लोगों ने माथेरन के बारे में कुछ जाना. और ये रिसर्च किसका है? ये रिसर्च है बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी. एग्जाम का फेवरेट है, यूपीएससी का फेवरेट है ये. आप देख सकते हो कि बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी इज वन ऑफ द लार्जेस्ट नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन. ये नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन एंगेज्ड है पर्यावरण कंजर्वेशन में और बायोडायवर्सिटी रिसर्च में भी. ये जो एनजीओ है, इट वॉज सेटअप ड्यूरिंग द ब्रिटिश टाइम्स इन 1883. और इसका जो हेडक्वार्टर है, इट इज एट द हॉर्नबिल हाउस इन मुंबई. एक बहुत ही इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन इसके बारे में ये है कि इसकी जब स्थापना की हुई थी तो इसके 8 फाउंडर्स थे. उसमें से वन ऑफ देम वॉज अ प्रोमिनेंट इंडियन. हु वॉज आत्माराम पांडुरंग? तो आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि आत्माराम पांडुरंग किस चीज के लिए फेमस है. जैसे कि हम लोगों ने देखा है कि राजा राम मोहन राय ने ब्रह्मो समाज की स्थापना की थी, दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी, तो उसी तरह आत्माराम पांडुरंग ने किस संस्था की स्थापना की थी. इसके अलावा जो बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी एनजीओ है, वो कंटिन्यूअसली रिसर्च एफर्ट को सपोर्ट करता है और ये 2 जर्नल पब्लिश करते हैं. एक है 4 मंथली जर्नल विच इज कॉल्ड एज जर्नल ऑफ बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री, और एक है क्वार्टरली इनका जर्नल आता है और मैगजीन आता है, उसका नाम है हॉर्नबिल. और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस में आता है, उसने बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी को डेजिग्नेट किया है एज साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, विच इट्सेल्फ इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट. सो दैट इज इट फ्रॉम दिस वीडियो डिस्कशन. थैंक यू वेरी मच. जय हिंद.